हे गाइस, एक और न्यू वीडियो में स्वागत है आप सभी का। गाइस, आज की वीडियो में लेके आ चुका हूं एक और न्यू थीम जो कि है ओरिजिन ओएस थीम। और आज की वीडियो में बात करेंगे इसी थीम के बारे में और देखेंगे इस थीम में आपको किस टाइप का लुक दिखने को मिलता है। साथ ही साथ गाइस, आज की वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि कैसे आप इस थीम को अपने किसी भी तरह के वीवो एंड आईक्यू डिवाइसेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को इन तक देखते रहेगा। और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि थीम के रिगार्डिंग आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं अपने ओरिजिन ओएस ओसी थीम के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे इस थीम के सभी लुक्स एंड फीचर्स के बारे में, यानी कि किस टाइप का इंटरफेस आपको इस थीम में देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे आप अपने किसी भी वीवो एंड आईक्यू डिवाइसेस में इस थीम को अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस थीम के बारे में। और आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ गाइस, इस थीम को क्रिएट किया आदित्य टेक्निकल भाई ने, तो आप लोग उनको भी जरूर सपोर्ट कीजिएगा। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं गाइस, जो थीम है उसका लुक आपको एग्जैक्ट ओरिजिन ओएस की तरह दिखने को मिल जाता है। एंड गाइस, ये जो थीम है ये पिंक एडिशन है, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो आइकन्स वगैरह वो आपको कुछ पिंक एडिशन की तरह दिखने को मिल रहा है। जो वॉलपेपर है वो बहुत ही अच्छा मिल जाता है, और देख सकते हैं जो आइकन्स है वो आपको सेम एग्जैक्ट आपको ओरिजिन ओएस ओशियन की तरह दिखने को मिलता है। और ओवरऑल गाइस देखा जाए तो होम स्क्रीन का जो लुक है वो आप देख सकते हैं आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। यहाँ पर जो आइकन्स है या फिर जो लुक है होम स्क्रीन का वो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। साथ ही साथ गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंट्रोल सेंटर है उसका लुक भी चेंज कर दिया गया है। कंट्रोल सेंटर में भी आप देख सकते हैं स्क्वायर आइकन्स मिलते हैं। साथ ही साथ गाइस, यहाँ पर जैसे आप ब्लूटूथ ऑन करेंगे या वहाँ पर करेंगे तो आपको अलग से एक लाइट मतलब ब्लू वहाँ पर मतलब पिंक एडिशन की तरह दिखने को मिलेगा। इसी तरह जो वॉल्यूम बार्स हैं या फिर जो ब्राइटनर बार है उसको भी चेंज कर दिया गया, मतलब कि ओवरऑल आपको एक पिंक एडिशन की तरह दिखने को मिलता है ये थीम। और ओवरऑल देखा जाएगा इस थीम का जो लुक है बहुत ही अच्छा है। अगर आप अपने मोबाइल में ओरिजिन ओएस का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इस थीम को जरूर अप्लाई कीजिएगा। और गाइस, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग के इंटरफेस को भी चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे आइकन्स मिल जाते हैं सेटिंग में, जो कि दिखने में और भी अच्छा लगता है। तो ओवरऑल सेटिंग का जो इंटरफेस है वो भी आपको अच्छा मिल जाता है इस थीम में। गाइस, अब बात करें लॉक स्क्रीन के बारे में, तो जैसा कि गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लॉक स्क्रीन का गाइस इंटरफेस है वो भी आपको बहुत ही अच्छा मिल जाता है ओरिजिन ओएस की तरह। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, ओरिजिन ओएस ओशियन में आपको लॉक स्क्रीन में ओरिजिन प्लेयर दिखने को मिलता है, और वही सेम चीज़ आपको इस थीम में भी दिखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो लॉक स्क्रीन का जो लुक है या फिर जो होम स्क्रीन का लुक है वो दोनों बोथ आपको इसमें अच्छा दिखने को मिलता है, मतलब कि इस थीम में दिखने को मिलता है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने मोबाइल में ओरिजिन ओएस को एक्सपीरियंस करना, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया में ओरिजिन ओएस तो नहीं आएगा, तो आप अपने मोबाइल में इस थीम को इंस्टॉल करके ओरिजिन ओएस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चलिए गाइस, अब देखते हैं कि कैसे आप अपने किसी भी अपने वीवो डिवाइसेस या फिर आईक्यू डिवाइसेस में इस थीम को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गाइस ओरिजिन ओएस जो थीम है उसका लिंक मिल जाएगा। तो सिंपली आपको क्लिक करना है, और उस लिंक पर क्लिक करने के बाद ये कुछ आपको फाइल मिल जाएगा ड्राइव का, तो इस पर सिंपली क्लिक करना है, मतलब डाउनलोड कर लेना है इसको। डाउनलोड करने के बाद आपको गाइस चले जाना है अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर में। जैसा कि आप देख सकते हैं फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है, एंड सबसे पहले तो आपको सेटिंग में जाके चेक कर लेना है कि आपके जो फाइल मैनेजर है उसका जो डिस्प्ले हिडन फीचर फाइल है वो इनेबल रहना चाहिए, सो दैट आपके मोबाइल में जो हिडन फाइल है वो भी शो होगा। तो इसको इनेबल कर लेना। उसके बाद गाइस आपको डाउनलोड फोल्डर में सर्च करना है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अभी हमने डाउनलोड किया था ओरिजिन ओएस का जो थीम का एपीके था, मतलब यहाँ पर वो आपको सिंपली यहाँ पर मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ से मतलब सेलेक्ट करना है और कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फिर से सर्च करना है DWD फोल्डर, और DWD फोल्डर मिल जाएगा। इस पर सिंपली आपको 5-6 बार क्लिक करते रहना है जब तक 5-6 फोल्डर ना आ जाए। 5-6 फोल्डर मतलब आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको टी फोल्डर पे क्लिक करना है एंड सिंपली पेस्ट कर देना है। मैं पहले भी पेस्ट कर चुका हूँ इसलिए हम लोग कैंसिल कर देते हैं। आपको सिंपली पेस्ट करना है। अब पेस्ट करने के बाद गाइस आपको चले जाना है अपने मोबाइल में थीम में, मतलब कि आपका जो मोबाइल का आई थीम है उसमें चले जाना है। मी जो यहाँ पर है उस पर चल जाना, और यहाँ पर गाइस आप सेटिंग में आप देख सकते हैं मेरा वर्जन ये है। आप चाहे तो इस वर्जन में भी यूज़ कर सकते हैं आई थीम को, या फिर अगर आपके मोबाइल में आई थीम कोई और भी वर्जन है तो भी चल सकता है। बट अगर आपके मोबाइल में ये जो थीम है ये अप्लाई मतलब वहाँ पर DWD फोल्डर्स में पेस्ट करने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में थीम आई थीम का और फाइल मैनेजर दोनों का लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा आई थीम और थीम मैनेजर को, ठीक है, मतलब आई थीम और फाइल मैनेजर को। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं थीम आपको मिल चुका है, सिंपली गाइस आपको अप्लाई कर लेना है एंड आपका जो आई मतलब यहाँ पर ओरिजिन ओएस ओशियन का थीम है वो अप्लाई हो जाएगा। एंड देख सकते हैं कितना अच्छा आपको लुक मिल जाता है। ऐप का आइकन्स भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे मिलते हैं, एंड ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही लाइट थीम है, ज़्यादा एनिमेशन भी नहीं है, जिसके कारण आपका मोबाइल बहुत ही स्मूथली वर्क करता है एंड किसी भी तरह का बग्स आपको दिखने को नहीं मिलता है।
तो गाइज यही था ओरिजिन ओएस ओसियन थीम। और गाइज जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको सभी स्टेप्स बता दिया कि कैसे आप इस थीम को अप्लाई कर सकते हैं। तो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।